दोस्तों, स्वागत है आपका सम्राट नेमी चंद कुछ सब ब्लॉग में। आज मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि आज फरवरी हो गई 18 अवधि की, हमारे यहाँ किस तरीके का ठंडा मौसम है। बहुत तेज कोहरा हो रहा है, समय 9:30 बज चुके हैं, फिर भी बहुत अधिक कोहरा है। दिखाता हूँ मैं आपको। जनवरी जैसा कोहरा है, ये देखो। आज यहाँ बड़ी भैंसा हमारे पढ़ाते हैं। आज मैं आया हूँ समय निकल के इधर घूमने के लिए, और हमारी बड़ी बुआ जी रहती हैं यहाँ, उनकी तबीयत ख़राब है, तो जाके अंदर मिलते हैं। तो मैं अपनी बुआ जी के, बड़ी बुआ जी के घेर के अंदर आ गया हूँ, जहाँ मैंने आपको बताया था कि मेरे भैया जी टीचिंग करते हैं। तो मैं दिखाता हूँ कि किस तरीके से कितने बच्चे हैं और कैसे पढ़ रहे हैं, किस तरीके से हमारे बड़े भैया जी पढ़ाते हैं। तो देखिए आप अंदर का माहौल। बच्चों की साइकिल स्कूटी खड़ी हुई है, एक तरफ ये पशु रहते हैं और ये दूसरी तरफ बहुत शानदार बरंडा बना हुआ है जिसमें तो पंखा लगा है। आपस में प्रच्छेद करें तो उनकी दुखाव के जो दो रेखाओं के बीच में जो दुखाव होता है उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। कितने प्रकार के होते हैं? सात प्रकार के होते हैं। नंबर एक आप लोगों को गांव स्तर पे इस तरीके का जैसे कि टीचिंग का हुनर नहीं मिलेगा। भैया जी थोड़ा सा नहीं मैं बोल दूं, संपूर्ण संपूर्ण की परिभाषा क्या होगी तब तो बताएगी। संपूर्ण की परिभाषा क्या होगी? जो कौन जो एंगल ठीक 90 अंश का होता है उसे हम क्या कहते हैं, संपूर्ण कहते हैं। जैसे बैठ जाइए। तो दोस्तों, आपने देखा इस तरीके का जो टीचिंग का हुनर होता है, दया क्षेत्र में नहीं मिलता है, ये सिटी में मिलता है। लेकिन हमारे यहाँ हमारे भैया जी ने अपना इस तरीके से माहौल बना रखा है कि यहाँ जो कोई पढ़ने जाता है निश्चित ही यहाँ से बहुत इंटेलिजेंट होके जाता है। तो मैं आप लोगों के लिए बोलना चाहता हूँ कि आप लोग अपने बच्चों को पढ़ाएँ लिखाएँ, तभी आप है ना आगे बढ़ सकते हैं। ना मेहनत करने से केवल दो वक्त की रोटी मिलती है, बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं। हमारे भैया जी ने केवल टीचिंग करने से ही बहुत मान सम्मान पाया हुआ है। तो आप भी अपने बच्चों को पढ़ाइए और देश को आगे बढ़ने में अपना सहयोग करें। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, मिलेंगे थोड़ी देर बाद। मैं आपको एक कोई पूरा थोड़ा सा बरंडा का माहौल दिखा देता हूँ, किस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं। इधर पशुओं की व्यवस्था है, ये पढ़ने के लिए बरंडा है, नीचे मार्बल लगी है, चटाई बिछी हुई है। बहुत प्यारे बच्चे हैं, सभी डिसिप्लिन है, देखो कितने अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं। ये देखो ये बाहर का नक्शा है बुआ जी के घर का। अभी मैं भैया जी के घर से आ गया हूँ, जा रहा हूँ छोटी बुआ जी के यहाँ जहाँ शादी है, क्योंकि अब हम जाएंगे, आज महाशिवरात्रि है तो बनखंडी यहाँ का एक माँ से भोले बाबा का एक मेला लगता है वहाँ। आज किस तरीके का कोहरा है, आज बहुत ज़्यादा कोहरा है, 10 बज चुके हैं, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे कि कितना धुंधला दिखाई दे रहा है। और अभी हम जाएंगे बाइक से बनखंडी महादेव का मेला देखने के लिए, तो बहुत सर्दी लगेगी। अब जाएंगे हम शमशाबाद अपनी दीदी को लेने के लिए, जो आपने देखा होगा उसमें ब्लॉग में दीदी हैं हमारी भांजी रितु संजन, उनको लेने के लिए तो कल वो रह गई थी उधर से ही बाटका की तरफ से अपने घर, तो अपनी गाड़ी साफ कर रहे हैं। अभी फिर वहाँ जाएंगे, फिर भोले बाबा का मेला देखने, आज महाशिवरात्रि है ना, फिर तो आपसे मिलेंगे कुछ समय बाद। अब मैं लेने को जा रहा हूँ अपनी दीदी को शमशाबाद से, स्कूटी से जा रहा हूँ। मैं जिन दीदी को लेकर जा रहा हूँ वो दीदी हमारी ही बतासवा की सबसे पैसे वाली दीदी है, कुशवा समाज में उनके पास ML Gold के नाम से 7 कॉलेज स्टोर हैं। और मेरी दीदी बहुत प्यारी दीदी है,
होटल रह गई थी वो बाटका से अपने ही घर, और आज मैं उनको लेने जा रहा हूँ होटल पे। देखो ये रही हमारी स्कूटी, और आप साथ साथ ये भी देखिए आज हमारे यहाँ कितना कोहरा पड़ रहा है ना। समय हो चुका है लगभग 10:30, और देखिए कितनी तेज कोहरा है। सूर्य निकला है फिर भी बहुत कोहरा है। ये रही अपनी गाड़ी, ये हमारी भतीजी की गाड़ी है, कल जिनकी शादी हो गई है तो आप इस गाड़ी को अपन यूज कर रहे हैं। अपनी दीदी के घर अब चलते हैं अंदर, फिर मिलेंगे आपसे कुछ देर में। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ अपनी दीदी के घर पे, और बैठे हुए सामने मेरे प्रिय भांजे जी। और यहाँ पे भी खासे बता दूँ, ये IIT से जैसे कि इंजीनियर है ना, और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी से इन्होंने IIT से BTEC पास किया हुआ है, और अभी जॉब पे जाने वाले थे लेकिन शादी है ना घर पे। कल हमारी भतीजी तो चली गई लेकिन भतीजी की बारात जाने वाली है 21 तारीख को, तो रुक गए। और ये हमारी प्रिय भांजी जी, ये भी BEd होल्डर है और टीचिंग करती है प्राइवेट, और मैंने आपको बताया था यही मेरी वो दीदी है जो फतेहाबाद विधानसभा में सबसे ज़्यादा कुशवा समाज में पीछे वाली है। 7 कॉलेजर है इनके, हमें गर्व है कि ये हमारी दीदी है। और मिलेंगे आपसे, और अभी हम चाय पी रहे हैं, देखो चाय में थोड़ी चीनी कम थी तो स्कूल पड़ी हुई है और चीनी मिला ली है। हमारे भांजे जी भी चाय पी रहे हैं। अभी हम यहाँ से जाएंगे भोले बाबा का मेला देखने के लिए, क्योंकि आज है महाशिवरात्रि, तो आज का दिन बहुत ही आनंद से भरा रहने वाला है। वैसे तो हम पिछले 10 दिनों से ही आनंद ही ले रहे हैं, क्योंकि काम धंधा तो है नहीं, केवल शादी से जुड़ा हुआ काम धंधा है, बाकी का स्कूल से कोचिंग से सब चीज़ से छुट्टी ले रखी है। तो आप भी रहिए हमारे साथ और दिन को एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय महाशिवरात्रि, जय हिंद, जय भारत। चल रहे हैं अपनी भांजी जी को लेके, और दीदी और दूसरी भांजी जी जो अभी ये रेडी हो रही है ना, ये बाल बांध रही है, तो ये जाएंगे बाद में। ये देखो एक बैग मेरे हाथ में, एक दीदी के हाथ में है ना, भांजी के हाथ में, और जाएंगे अभी स्कूटी से। और शायद अब आगे ना आपको दिखा पाए क्योंकि जल्दी हो रही है, बहुत देर हो चुकी है, और फिर निकलते हैं। आ गए अपने गाँव, हम गाड़ी चला रहे हैं, हमारे यानी भाजी बैठी है। तो हम आ चुके हैं अपने घर यानी कि बुआ जी के घर, और अभी दूसरा चक्कर लगाएंगे, द्वारा से लौट के जाएंगे, क्योंकि दीदी और हमारी एक और भांजी जी रह गई हैं। ये रहा हमारा घर। अरे रे 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 हाँ, ये हमारी भाभी जी है ना, इन्हीं की बेटे और बेटे की शादी है, तो बेचारी बहुत काम कर रही है, सब लोग बहुत काम कर रहे हैं। और ये देखो दूल्हे राजा यानी कि यही रह गए, हमारी भांजी भतीजी तो चली गई, और ये हमारी मैडम, इनको तो आप देखती रहते हो। ये बड़े वाले भतीजे खाना खा रहे हैं, और ये हमारी छोटी वाली दीदी बैठी हुई है। चलो ठीक है ना, अब चलते हैं द्वारा से। तो हम जा रहे हैं भोले बाबा का मेला देखने के लिए, आगे बुलेट चला रहे हैं दूल्हे राजा हमारे छोटे भतीजे, पीछे हम बैठे हैं, पीछे आप इसे पछते हैं वाली भांति विशाल बैठे हुए हैं। अभी जब हम बैठ पहुँच जाएंगे मेले में, देखो मैं ज़्यादा देख सकते हैं, देखो देखो पहुँच जाएंगे। देखो दोस्तों रास्ते में कितनी सारी भीड़ है, मेला जो देखने जा रहे थे भोले बाबा का, मैंने आपको बताया था कि आज महाशिवरात्रि है, इसलिए हम जा रहे हैं मेला देखने के लिए। बहुत भीड़ है, बहुत ज़्यादा, ये भी तो रास्ता है, अभी तो मेले में पहुँचे भी नहीं है। देखो ये है मंदिर, और ये मंदिर का बैक गेट है, यहाँ से पूजा करने के लिए जाती है, सामने से कांवड़ चढ़ती हैं, और ये आइसक्रीम, ये देखो पीछे ये जंगल का एरिया है। मोहित, ये मोहित गए हुए हैं हाथ धोने के लिए, हेडपंप चलाने के लिए लग गए हैं। लाल आकाश क्या हाल है?
परिसर जिसके अंदर भोले बाबा की पिंडी है वहाँ जल चढ़ाया जाता है। देखने के दौरान हमारे पुराने प्रिय मित्र मिले जो सारे पीछे कहते थे और देखो हमारे ये देखो आकाश अब दिखाएंगे आपको आगे की वीडियो कामल घर थक गए गए थे बुलेट से थक गए इसमें प्रसाद मिला था अब थोड़ा रिलैक्स करेंगे फिर देखेंगे बाजार जाएंगे फर्नीचर का सामान खरीदने के लिए भतीजे के लिए। ओ मेरा सम्राट आ गया मेरा सम्राट आ गया अरे क्या है बेटो चलो बेटो हाय बोलो सम्राट देखो देखो कैमरा में देखो बेटो शर्मा रहा है शर्मा रहा है। और यहाँ पे देखिए एप्पल का बैठो दिखाओ चलो बैठ अरे वो भेजना है ना जिनके यहाँ जाना है उनको तो भेजना है फोटो। ये देखो एप्पल का बैठ है ये देखो एप्पल का बोर्ड आईफोन तो बहुत देखे होंगे आईफोन तो आपने फोन देखे बहुत देखे होंगे अब आप आई हम यहां गांधी आश्रम शोरूम में बेड लेने के लिए आप ये देख रहे हैं ये हमारे संसद का सबसे बड़ा शोरूम है शादी ब्याह के लिए आप अपना सामान परचेज कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों गांधी आश्रम का दूसरा पोर्शन जिसमें केवल फर्नीचर का सामान लगा हुआ है आप देखेंगे इसमें सोफा ही सोफा आपको दिखाई देंगे। अभी इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो बनाई थी उसमें फर्नीचर का सामान था लेकिन उसमें बेड दिख रही थी आपको ठीक है। इसमें देखो सारे फर्नीचर ही फर्नीचर अलमारी भी है और ये हमारे साथ ही है आपको हमारे साथ हमेशा दिखेंगे बहुत प्यारे साथी हैं ये हाँ ये देखो एप्पल का ड्रेसिंग टेबल एप्पल की फोन तो बहुत देखे होंगे आपने ये एप्पल का है ये भी एप्पल का है इनका